दोस्तों वन प्लस का फ्लेक्सी फोन वन प्लस 10T जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, क्योंकि हाल ही में वन प्लस 10T या तो फिर वन प्लस 10 का रेंडर और स्पेक्स लीक में आए हैं और ये फोन स्नैपड्रैगन के फ्लेक्सी प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के साथ आने वाला है। तो चलिए फोन के डिजाइन स्पेक्स और फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले डिजाइन देखे तो फोन का बैक यहाँ पे मुझे ओप्पो के चाइना में लॉन्च हुए K10 सीरीज जैसा लगता है। बैक देखे तो मैट फिनिश जैसा लुक मिल जाता है, सेंटर में वन प्लस की ब्रांडिंग मिल जाती है, टॉप में बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जो ओप्पो के K10 सीरीज जैसा ही है, जहाँ पे 3 कैमरा लेंस देखने को मिल जाते हैं और सर्कुलर शेप में ड्यूल LED फ्लैश मिल जाती है और राइट में हेजलब्लेट का ब्रांडिंग मिल जाता है। बाकी फोन की दोनों साइड्स कर्व मिल जाती है और ये वन प्लस का फ्लेक्सी फोन होने वाला है तो बैक यहाँ पे ग्लास का ही मिलेगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो फ्रंट देखे तो सेंट्रल पंच होल स्क्रीन मिल जाती है और स्क्रीन की साइज 6.7 इंच की मिलने वाली है और पैनल यहाँ पे AMOLED मिल जाएगी। रिजोल्यूशन फुल HD प्लस मिलेगा और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की मिलेगी। डिस्प्ले तो एज यूजुअल सुपर मिलने वाली है क्योंकि ये वन प्लस का फ्लेक्सी फोन है और डिस्प्ले में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ज्यादा मिलेगा और ये फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी, कर्व्ड नहीं मिलेगी। वन प्लस 10T में कैमरे की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जहां पे प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा, सेकेंडरी 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा और थर्ड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलेगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलने वाला है और मेन यानी प्राइमरी कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। फोन में 4K वीडियो भी 60fps से रिकॉर्ड कर पाएंगे। परफॉर्मेंस या हार्डवेयर की बात करें तो फोन में हाल ही में लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर मिलने वाला है जो TSMC के 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आने वाला है। मैक्स क्लॉक स्पीड 3.2 GHz की मिलने वाली है। रैम LPDDR5 मिलेगी और स्टोरेज UFS 3.1। तो परफॉर्मेंस में तो ओवरऑल ये बहुत ही टासू होने वाला है क्योंकि सभी कुछ फ्लेक्सी लेवल का मिलेगा इस फोन के अंदर। वन प्लस 10T में बैटरी की बात करें तो 4800mAh की बैटरी मिलेगी और बैटरी को चार्ज करने के लिए इस बार 150 वेट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा जो इंडिया में वन प्लस 10R में मिलता है। वन प्लस 10T में OS की बात करें तो ऑक्सीजन OS 12 पे चलेगा और Android 12 बेस्ट होगा। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे, Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी फोन के ज्यादातर स्पेक्स फ्लेक्सिबल ही मिलेंगे। अब देखना यह है कि ये फोन इंडिया में कब आता है और लीक के हिसाब से ये फोन वन प्लस 10T या तो फिर वन प्लस 10 के नाम से आ सकता है। आपको क्या लगता है कौन से नाम से ये इंडिया में लॉन्च होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिवअवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारे टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।